नमस्कार साथियों, कैसे हूं? मस्त होंगे। जबरदस्त अपडेट है, जबरदस्त बात है। इतनी रात्रि जो मैं आपके पास आया हूं, इसका बड़ा रीजन क्या है कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की मैं बात करने वाला हूं। कोर्ट का फैसला आ गया है, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो गया है। कोर्ट का ऐसा फैसला सीधे सीधे आ गया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बेरोजगारों के साथ राजनीति कर गई सरकार, ये कैसा खेला हुआ, कैसे कर गई राजनीति, इस पर भी मैं बात करूंगा। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी अपडेट, ये तीन मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले जो कोर्ट का फैसला है वो दिखा देता हूं, फिर कैसा ये फैसला ऐसा आया है तो क्यों आया, इस पर मैं बात करूंगा। देखो, स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती से जुड़ा प्रकरण था, जो मामला था सफाई कर्मचारियों की भर्ती के में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता को लेकर मामला था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का दिया है आदेश, यानी छूट, यानी उन्होंने कहा है कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हो, तमाम मुद्दों के साथ भर्ती को आगे बढ़ा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, ये कोर्ट कह रहा है। साथ ही अदालत ने भर्ती को रखा है याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन, यानी कोर्ट फैसला भी दिया नहीं है, कोर्ट ने फैसला दिया नहीं है, उन्होंने अधीन रख दिया। जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई की थी, एकल पीठ में दिया आदेश। अदालत ने अपने आदेश में कहा, भर्ती में याचिकाकर्ताओं के नहीं हो हित प्रभावित, यानी जो भर्ती में जिन्होंने याचिका लगाई उनके हितों को प्रभावित ना हो, उनको भी इस भर्ती में जोड़े रखा जाए। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए मांगा 2 सप्ताह का पैरोल, यानी ये सरकार जो 2 सप्ताह का माने, यानी चुनावी जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाए, चुनावी जो मुद्दे हैं उनसे बाहर निकल जाए, उसके बाद भर्ती में क्या होगा वो सरकार को पता है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता, यानी सरकार से की तरफ से जीएस गिल ने पैर भी रखा अपना पक्ष रखा, याचिकाकर्ताओं की ओर रामानुज शर्मा ने अपना मत रखा, पैर भी दिया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई को रख दी, यानी मामला फिर कोर्ट में ही रह गया और इसकी अगली सुनवाई 28 मई को, यानी पूरे सवा महीने के करीब, 1 महीना और 26 से 1 महीना, 2 दिन के बाद इसकी पैरवी होनी है, ये यहां पर इसने कहा है। अब भर्ती में क्या है जो नई चीजें हैं, आपको प्रभावित क्या करती है, देखो अगली सुनवाई 28 मई को होनी है, भर्ती चालू रहेगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखना, संशोधन की अंतिम तिथि, संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो आप सभी को पता है भाई साहब, 27 अप्रैल है, यानी कल संशोधन की अंतिम तिथि यही है, यानी कल संशोधन और हो सकता है। अब मामला तो कोर्ट में है, मामला कहां है, कोर्ट में। अब ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र, तो एक तो ये आपको ध्यान में रखेगा, ये तिथि बढ़ेगी, बढ़ेगी तिथि, बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कोर्ट का जब तक है आपको पता हो तो जो कोर्ट का फैसला है वो नहीं आया है, उन्होंने भर्ती चालू रखने के लिए बोला है, ये एकमात्र राजनीतिक बात है, ये एकमात्र राजनीतिक मुद्दा है। इसमें केवल भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है कि अब भर्ती प्रक्रिया 28 मई तक तो इसमें कुछ होना नहीं है, अब सरकार ये करेगी संशोधन की तिथि बढ़ा दे या दूसरी संशोधन की तिथि निकाले, क्योंकि सरकार का फैसला यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है,
मगर इनके खिलाफ आ गया तो दिक्कत वाली बात है। क्या आ सकता है फैसला? अब देखो बेटा, क्या आ सकता है? फैसला किसका? कोर्ट का। कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है? दूधे भाई साहब, कोर्ट का फैसला किस पर टिका हुआ है? प्राथमिकता पर। किस पर टिका हुआ है? प्राथमिकता पर टिका हुआ है कि किसको मिलेगी प्राथमिकता। तो कोर्ट क्या करेगा? पहली कंडीशन में आपको देगा सक्षम अधिकारी। जो पहले चल रहा था खेल वही होना है। सक्षम अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी, भाई सबसे पहले इनको लो, क्योंकि ये नियमित रूप से सरकार के अधीन रहकर काम कर रहे हैं। फिर वो कहेगा दूसरी प्राथमिकता नगर पालिका। ठेकेदार, नगर पालिका ठेकेदार, जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं। तो भाई साहब हमने तो नगर पालिका की भर्ती निकाली है, तो नगर पालिका के ठेकेदारों के अधीन जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्राथमिकता रखेगा। और तीसरी जो प्राथमिकता रखेगा, अब इनका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, महत्व तो नहीं है, मगर वो रखेगा सरकारी संस्था। जहां सरकारी संस्था है, जिन्होंने सरकारी संस्था में काम किया है, तो उनको। चौथी है जो बिल्कुल कोई काम की नहीं है, अन्य संस्थान। अन्य संस्थान में काम करने वाले, ऐसी प्राथमिकता बना देगा। अब आप ये जो लोग है ना, इनकी संख्या 470,000 के करीब है, 470,000, जबकि फोरम जो कुल भरे गए हैं इन फोरमों की संख्या 920,000 है। तो यानी लगभग 450,000 लोग ये हैं जो नगर पालिकाओं में काम करते हैं या उनके अनुभव प्रमाण पत्र है इनके पास, इनके अनुभव प्रमाण पत्र, इनको रहेगी मूल प्राथमिकता। वैसे ये आपके लिए अड़ंगे का दीदवार हो सकता है, बड़ी चीज थी ये बताना जरूरी था। कोर्ट का भी ऐसा कोई फैसला नहीं आया, कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मई को रख दी है और भर्ती को लगातार जारी रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा गया है कि इनको भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता, मूल चीज। अब मैं आपको बता दूं, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद रखा, हमने मात्र 149 रुपए में कोर्स कर रखा है, आप कोर्स लेकर अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रख सकते हो। गुरुजी कोर्स कहां से खरीदें? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और बाय स्टडी, और बातें बताऊंगा अभी, तो बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले। और पीडीएफ लेना चाहते हो आप, पीडीएफ तो मात्र 49 रुपए में आपको पीडीएफ मिल रही है, और फ्री पीडीएफ भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, वो बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त करें। ये तो आपके लिए स्टडी मैटर था, जो मैं जो लेना चाहता है वो ले सकता है, किसी को ऐसा नहीं है भाई लेना ही पड़े। अब आपके लिए बहुत बड़ी ये जो है अनुभव प्रमाण पत्र वाली है, तो अनुभव प्रमाण पत्र मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है अनुभव प्रमाण पत्र में, तो मेरे नंबर है 9887640020, ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। है? भर्ती है ना जारी रहेगी, जारी रहेगी, और प्राथमिकता है नगर पालिकाओं वालों को ही मिलेगी, जिन्होंने नगर पालिकाओं में काम किया है, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र सबसे अधिक मान्य रहेगा। ये और बता देता हूं मैं आपको। अब कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ही बेस्ट ऑफर लेकर आया हूं, जिनके बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनके बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहां पर अपने बच्चों के लिए डेमो वीडियो देखें, डेमो वीडियो डाल रखे हैं मैंने, बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें, मात्र 399 रुपए में बीएसटीसी का संपूर्ण स्पेशल बैच जारी किया गया है, जिसमें पीडीएफ, डाउट क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस और टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा ये आपको कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है, कि जो भी बंदे, जो गरीब मेरे जैसे ऐसा लोग हैं, उनके लिए ये कोर्स लेकर आया हूं मात्र 399 रुपए में।
तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और जिनके बच्चों का सपना शिक्षक बनने का है उस सपने को साकार करें। ये आपको एक स्पेशल न्यूज थी, ऑफर है विशेष रूप से मात्र 399 रुपए में। तो आज ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उन्हें शिक्षक बनाने के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए बीएसटीसी का कोर्स ज्वाइन करवाएं और उनकी सफलता सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।